फिल्मी झरोखा के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोखा। फिल्मी झरोखा में आज आ रहे हैं बेताज बादशाह किंग खान शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान का नाम आज इतना बड़ा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सब उनके जबरदस्त फैन हैं। दीवानगी हमेशा से बरकरार रही है, तो इसी दीवानगी में कुछ 56 बातें लेकर आया है बीवी का टीवी फिल्मी झरोखा। शाहरुख खान का जन्म हुआ था 2 नवंबर सन 1965 को। पिताजी का नाम ताज मोहम्मद खान और माँ लतीफ फातिमा। शाहरुख खान खुद बताते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें चांदी का टब उपहार में मिला था, और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने जन्म के बाद पहला जो शब्द बोला था वो था चंपा। चंपा उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला का नाम था। लेकिन शाहरुख खान का बचपन नाना नानी के पास बीता था। उनका पालन नानी ने पहले मैंगलोर में और फिर बेंगलोर में किया। शाहरुख अपने नाना नानी के साथ हार्बर हाउस में रहा करते थे, क्योंकि उनके नाना मैंगलोर पोर्ट के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। खास बात ये भी है कि मैंगलोर के हार्बर हाउस को देखने के लिए आज भी टूरिस्ट जाते हैं। शाहरुख के पिता जो रहे वो पेशावर के थे, और माँ हैदराबाद से और दादी कश्मीर से ताल्लुक रखती थी। बेंगलोर में जब शाहरुख अपनी नाना नानी के पास रहा करते थे तो उनके पड़ोसी थे जाने माने कॉमेडियन महमूद। शाहरुख के पिता घर पर बोला करते थे हिंद को भाषा। ये पाकिस्तान में बोली जाने वाली एक पंजाबी बोली है। स्कूल के दौरान शाहरुख खान की हिंदी बहुत कमजोर हुआ करती थी। एक बार जब उन्हें 10 अंक मिले तो उनकी माँ उन्हें लेकर गई देवानंद की फिल्म दिखाने। फिल्म का नाम था जोशीला। शाहरुख खान बचपन में आर्मी में जाने की तमन्ना रखा करते थे। सेना में जाने का जज्बा था। उन्होंने आर्मी स्कूल कोलकाता में एडमिशन भी लिया था, पर उनकी माँ इस बात के लिए राजी नहीं हुई और वो वहाँ नहीं जा पाए। दिल्ली में शाहरुख खान ने सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की थी, और उसी दौरान स्पोर्ट्स में भी इनका मन लगने लगा। बहुत से खेल खेला करते थे। बाद में शाहरुख ने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में BA किया था। एक बात और है कि शाहरुख का NSD के साथ एक नजदीकी रिश्ता रहा है। इनके पिताजी 1974 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैथ चलाया करते थे। तब शाहरुख अपने पिता के साथ वहां जाते थे। उन्होंने रोहिणी हटंगड़ी, सुरेखा सीकरी, राज बब्बर को वहां अभिनय करते हुए देखा, और वहीं सूरज का सातवां घोड़ा जैसे नाटकों का रिहर्सल भी देखने का मौका मिला नन्हे शाहरुख को। और वहीं सुरेखा सीकरी की गोद में भी खेले हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान की एक गैंग हुआ करती थी जिसका नाम था सी गैंग। जी हाँ, शाहरुख और उनके 4 स्कूली दोस्तों ने मिलकर ये गैंग बनाया था। आगे एक्टिंग की दुनिया में शाहरुख ने फिल्म जोश में ऐसा ही किरदार निभाया जिसमें वो एक गैंग का हिस्सा बने थे। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि शाहरुख खान ने रामलीला में भी काम किया है। शाहरुख ने छाबरा रामलीला दिल्ली के साथ बहुत काम किया है। ये अक्सर वानर सेना में सैनिक का रोल निभाया करते थे। रामलीला में जब ब्रेक होता था उस दौरान उर्दू में शायरियां बोलकर लोगों का मन बहलाते थे, और उसके एवज में शाहरुख को मिलता था 1 रुपए का इनाम। राम जाने, राम जाने। शाहरुख खान जब 15 साल के थे तभी इनके पिताजी का कैंसर से निधन हो गया था। इनके पिता एक वकील के साथ स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। जब इनके पिता 14-15 साल के थे तब भारत की आज़ादी के लिए जेल भी गए थे। शाहरुख खान को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। एक बार फुटबॉल खेलते हुए जब वो घायल हो गए थे तब उसी दौरान थिएटर के जाने माने डायरेक्टर बैरी जॉन साहब ने इन्हें नाटक में अभिनय करने के लिए ऑडिशन देने को कहा। तब शाहरुख ने ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा ऑडिशन दिया कि इन्हें एक डायलॉग भी मिला, साथ ही मेन डांसर का रोल भी मिला था। शाहरुख खान की पहली कमाई की बात करें तो वो थी 50 रुपए, जो कि पंकज उदास के एक कंसर्ट के दौरान इन्होंने कमाया था। 1988 में दिल्ली में लेख टंडन ने शाहरुख खान को इस शर्त पर सीरियल में काम दिया था कि शाहरुख को अपने बाल काटने होंगे, लेकिन शाहरुख के दौड़ने के अंदाज को देखकर इन्हें मिला था सीरियल फौजी। जी हाँ, इनका पहला सीरियल था कर्नल कपूर द्वारा निर्देशित। 1989 में आया फौजी। फौजी सीरियल के लिए कर्नल कपूर कुछ लड़कों को दौड़ाकर देखना चाहते थे। उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि जो दौड़कर अच्छा दिखाएगा वही सीरियल में काम करेगा। कुछ ही लड़के लौटकर वापस आए जिनमें शाहरुख खान एक नाम था। हाय हाय, क्यों ना आए,
मैं जो रोज उसे फेफड़े फाड़ सिगरेट पिलाती हूँ। शाहरुख खान का फौजी सीरियल के दौरान ही सामना हुआ था अपने फैंस से। जी हाँ, जब दिल्ली में ऑटो से कहीं जा रहे थे शाहरुख, तभी दो लेडीज इन्हें देखकर बहुत जोर से चिल्लाईं और कहा, अभिमन्यु रॉय, वाओ। अभिमन्यु रॉय इनका वो किरदार था जो इन्होंने फौजी सीरियल में निभाया था। अभिमन्यु रॉय, यू कैन कॉल मी अभी। स्कूल के दौरान ही शाहरुख खान को इश्क भी हो गया था। जी हाँ, आर्मी ऑफिसर की बेटी गौरी नाम की एक लड़की से स्कूल के दौरान शाहरुख खान की मुलाकात हुई। डांस पार्टी में कुछ बात हुई, दोनों में प्यार की एक सुगबुगाहट शुरू हो गई। आए तो हवाओं में एक नशा है। गौरी एक बार जब अपने दोस्तों के साथ बॉम्बे घूमने गई थी, तब शाहरुख खान खुद बॉम्बे यानी मुंबई पहुंच गए। शाहरुख को उस वक्त ये भी नहीं पता था कि वो गौरी मुंबई में कहां है। बस शाहरुख को तो इतना ही पता था कि गौरी को तैराकी बहुत पसंद है, यानी स्विमिंग से बड़ा प्यार है। इसीलिए बॉम्बे के बीचेस पर शाहरुख गौरी को ढूंढते रहे और आखिरकार प्यार रंग लाया और गौरी उन्हें एक बीच पर मिल ही गई। ये बात अलग है कि उस दिन शाहरुख को रात रेलवे स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ी थी क्योंकि रहने का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर कई सालों बाद साल 1991 में 25 अक्टूबर के दिन इन दोनों ने शादी कर ली थी। गौरी और शाहरुख के मुलाकात की तारीख की बात करें तो वो थी 9/9/1984। शाहरुख खान को ये डेट अच्छे से याद है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर भी ये डेट दर्ज है क्योंकि उसी दिन इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। एक बहुत ही चर्चित सीरियल रहा था वागले की दुनिया, जिसमें शाहरुख खान कुछ एपिसोड्स में नजर आए थे। मैं यहाँ पर इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, so much time has been wasted for no reason at all. लाइसेंस कल ला सकता हूँ? लाइसेंस है? जी हाँ। Sure. टीवी सीरियल सर्कस 1989 और 90 में जब इन्होंने रेणुका शाहने के साथ किया, तब इनकी माँ उस वक्त बहुत बीमार थी। शाहरुख ने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी माँ को टीवी सीरियल सर्कस का एक एपिसोड दिखाना चाहता हूँ। इजाजत मिल गई, लेकिन बीमारी की वजह से शाहरुख को सीरियल में पहचान ही नहीं पाई इनकी माँ और अप्रैल सन 1991 में इनकी माँ का निधन हो गया। माँ के दुनिया छोड़ जाने के बाद शाहरुख खान को बड़ा सदमा लगा और इस दर्द से उबरने के लिए शाहरुख खान एक साल के लिए बॉम्बे आ गए और फिर वापस उनका दिल्ली जाना हुआ ही नहीं। अगर शाहरुख खान की फिल्म की बात करें तो 1991 में मनी कॉल की फिल्म, जो टीवी फिल्म थी इडियट, उसमें एक नेगेटिव किरदार निभाया था शाहरुख ने, लेकिन कैमरा फेस पहली बार किया प्रदीप किशन और जानी मानी राइटर अरुंधति रॉय की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 1989 में रॉय को अवार्ड दिलवा चुकी है। और 1991 में ही शाहरुख ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी। फिल्म का नाम था दिल आशना है। ये हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी फिल्म थी, लेकिन मुख्य भूमिका के रूप में इनकी फिल्म 25 जून सन 1992 को रिलीज हुई। फिल्म का नाम था दीवाना, जिसमें ये ऋषि कपूर के साथ नजर आए। शाहरुख खान की एक फिल्म भी आई थी फैन, और फैन का किस तरीके से रोल इन्होंने खुद ने निभाया वो हम सब ने देखा। लेकिन एक बार शाहरुख खान को अपने फैंस से बचने के लिए कार की डिक्की में छुपकर सफर करना पड़ा था। अगर तीन खान की बात करें तो शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान ने एक साथ काम किया था सन 1993 में। फिल्म का नाम था पहला नशा, जिसमें शाहरुख ने एक कैमियो की भूमिका निभाई थी। और अब बात करें 1996 की, तो शाहरुख ने महमूद के निर्देशन में पहली बार सलमान खान के साथ में काम किया था। फिल्म का नाम था दुश्मन दुनिया। शाहरुख को फिल्मों में दो चीजें करने से डर लगता है, पहला घुड़सवारी और दूसरा किसिंग सीन्स। लॉस एंजलिस में एक बार एक स्टेज शो में शाहरुख खान अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन मैडोना को देखकर शाहरुख खान अपने स्टेप्स ही भूल गए थे। जब शाहरुख खान यंग थे, तब वो कुमार गौरव से मिलना चाहते थे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि शाहरुख खान को लगता था कि वो खुद कुमार गौरव की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए कुमार गौरव से मिलने की बड़ी इच्छा थी। शाहरुख खान को अपने बचपन की तरह आज भी खिलौनों से बड़ा लगाव है और बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेलने का बड़ा शौक रखते हैं। शाहरुख खान ने एक गाना भी गाया था, फिल्म थी जोश और गाने के बोल थे, ए अपुन बोला तू मेरी लैला।
आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि शाहरुख खान को रोमांटिक फिल्म नहीं करनी थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं रोमांटिक फिल्में करूं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि जब इन्होंने कहानी सुनी तो सभी को यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लग रहा था कि ये शाहरुख इस फिल्म के लिए मना कर देंगे और सैफ अली खान इस फिल्म में हीरो होंगे। लेकिन शाहरुख खान ने एक शर्त रखी और फिल्म में हाँ कह दिया। वो शर्त थी, फिल्म में अगर एक्शन और फाइट सीन जोड़ लिए जाएं तो मैं फिल्म में काम करने को तैयार हूँ। जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हरियाणा में चल रही थी तब किसानों ने खेतों में काम करने से मना कर दिया। निर्माता निर्देशक काफी परेशान हो गए। तब शाहरुख खान अपने रंग में आ गए और दिल्ली और हरियाणवी लहजे में ऐसी बात की कि किसान राजी हो गए और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। ये भी खास बात है कि DDLJ की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान त्रिमूर्ति की शूटिंग उसी दौरान कर रहे थे। अरे राहुल, नाम तो सुना ही होगा। राहुल ये ऐसा नाम था जो शाहरुख खान के साथ ऐसा चिपका कि खूब फिल्मों में नजर आया। डर, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, जमाना दीवाना, कभी खुशी कभी गम, यस बॉस, चेन्नई एक्सप्रेस समेत कई फिल्मों में शाहरुख खान का नाम राहुल था। राहुल के अलावा दूसरा नाम इनका था राज। राज ऐसा नाम रहा जो इनके साथ खूब चला, चाहे DDLJ में हो या बादशाह में हो, मोहब्बतें में हो या फिर रब ने बना दी जोड़ी, इनका नाम हुआ करता था राज। फिल्मों में अगर मरने की बात करें तो शाहरुख खान की मौत फिल्मों में एक बार नहीं कई बार हुई। बाजीगर, डर, अंजाम, दिल से, राम जाने, डुप्लीकेट, देवदास, शक्ति, ओम शांति ओम, रावण, ऐसी कई फिल्में रही जिनमें इनकी मौत हुई। लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसमें इनकी माँ बनी राखी और कहती नजर आई, मेरे करण अर्जुन आएंगे। पुनर्जन्म वाली फिल्म साबित हुई करण अर्जुन, जिसमें ये मरे भी और वापस लौट कर आए। अब शाहरुख खान की उपाधियों की बात करें तो शाहरुख खान पहले ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें मलेशिया के जाने माने पुरस्कार नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 2014 में फ्रांस गवर्नमेंट ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर दिया था और सन 2005 में भारत में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया शाहरुख खान को। सन 2004 में शाहरुख खान टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर नजर आए। फोर्ब्स मैगजीन ने शाहरुख को 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में 8वें नंबर की पायदान पर रखा था। अमिताभ बच्चन के बाद कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख खान ने ही मेजबानी यानी एंकर का काम किया था। बच्चों से जुड़ा एक कार्यक्रम आया था, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? ये भी होस्ट किया था शाहरुख खान ने। शाहरुख खान के बच्चे हमेशा कहते थे, पापा आप सुपर हीरो वाली फिल्में क्यों नहीं करते। तब शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के कहने पर ही रावण फिल्म में काम किया था और उस दौर में बॉलीवुड की सुपर हीरो की सीरीज की ये पहली फिल्म मानी जा सकती है। शाहरुख 10 साल से अपने ऊपर एक किताब लिख रहे हैं और अपनी जिंदगी को एक पुस्तक में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख बड़े हार्ड वर्किंग है और अपनी कठिन मेहनत के लिए जाने जाते हैं। शाहरुख खान की अगर फेवरेट लाइन की बात करें तो वो कहा करते हैं, सोना जीवन को बर्बाद करता है, इसीलिए मैं खुद सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोता हूँ। शाहरुख खान के फॉलोवर्स की बात करें तो ट्विटर पर शाहरुख खान के तकरीबन 3 करोड़ फॉलोवर्स हैं। शाहरुख अपनी बेटी को आगे एक अभिनेत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के लिए एक किताब भी लिख रहे हैं जिसका नाम है टू सुहाना ऑन एक्टिंग फ्रॉम पापा। शाहरुख खान को राज, राहुल के नाम से तो जाना ही जाता है, इसके अलावा बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर हैं और किंग ऑफ बॉलीवुड या SRK भी इन्हें कहा जाता है। अब शाहरुख खान से जुड़े इस काफिले को यहीं रोकते हैं, लेकिन काफिले के रुकते रुकते इनकी कार्स के नंबर की भी बात कर लें। शाहरुख खान अपना लकी नंबर रखते हैं 555 और इसी नंबर को बहुत मानते हैं, इसीलिए शाहरुख खान की सभी गाड़ियों के नंबर होते हैं 555। तो फिल्मी झरोखा में आज इतना ही, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। फिल्मी झरोखा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए वीडियोस को अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को दबाइए और कमेंट कीजिए और देखते जाइए फिल्मों के रोचक किस्से ओनली ऑन BVK TV फिल्मी झरोखा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, लेकिन अगर आप चाहते हैं फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफीज देखना तो आप हमारा BVK TV बॉलीवुड बायोग्राफी चैनल देख सकते हैं। नमस्कार और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।